वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक होल का एपिसोड 144 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हो ब्लैक होल का एपिसोड 144 में। तो इसके एपिसोड की शुरुआत हम देख पाते हैं वही सारा सीन की एक बंदा जिसके पास मैजिक नहीं थी और उसके अलावा कुछ लोग और भी जिनके पास कम मैजिक हुआ करती थी, जिनकी स्टोरी अभी लिंक्ड है इस सीजन से क्योंकि ये चीज़ बार बार दिखाई जा रही है। पर जो भी हो, इसके बाद आगे हम देख पाते हैं डाजू की लाइफ जो कि एल्फ के अटैक से पहले हुआ करती थी, जहाँ पर उसके होने वाले हस्बैंड ने उसको प्रपोज किया था और फिर अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन तभी एल वाले अटैक में सब कुछ तबाह हो गया, जो कि डेविल करतूत थी और जिसके वजह से सजा मिलनी चाहिए डेविल के साथियों को, जिसके वजह से आस्थर बाकी सबको परेशान करना चाहती है, मतलब मारना चाहती है। वैसे डाजू से कैप्टन याबी भी मिलते हैं, जहाँ पर वो उखड़ी उखड़ी इन सबसे क्योंकि ये लोग समय रहते वहाँ नहीं पहुँच पाए, मतलब कोई भी मैजिक नाइट वहाँ पर नहीं पहुँचा जब एल्फ वालों ने अटैक किया था, मतलब एल्फों ने अटैक किया था इस गाँव पर और किसी ने जगह को नहीं बचाया, जिसकी वजह से सभी काफ़ी तक नाराज़ है मैजिक नाइट से, जो चीज़ नोजल और नोरेल भी फील कर पाती है और गोल्डन और गोचे ऐसा कुछ फील नहीं कर पाते, जहाँ पर उनका मेन गोल है मैरी को ढूंढना हर हाल में, मतलब मैरी जैसे दिखने वाली किसी और को भी उठा लेना, मतलब जहाँ वो काफ़ी तक गड़बड़ कर देते हैं और आखिर में शायद वही लोग हैं जो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं, वो भी शायद बेकार की, जहाँ उन्हें मैरी की कोई लीड नहीं मिलती। पर डाजू के वजह से बाकी सब जान पाए कि वहाँ तक पहुँच चुके हैं मैजिक नाइट्स और कैसे पहुँचे वो लोग यहाँ तक, जो एक बड़ा सवाल हो सकता है इन लोगों के लिए, लेकिन जिसका जवाब निकाल लेते हैं लोग अपने साथियों के साथ, जहाँ वे पहचान लेते हैं एक ट्रैकर को जो कि इन लोगों के मिशन के दौरान दिया गया था, जहाँ पे ये था नैरो के पास जो उसने छुपा रखा था और उस तरह से वो लोग ट्रैक कर पा रहे थे इन लोगों को। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे किसी को भी कोई लीड नहीं मिली और सब परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि वो ट्रैकर दोबारा काम करने लगा, जिसके दो मतलब हो सकते हैं कि एक तो झांसा हो सकता है या दूसरा ये हो सकता है कि उन लोगों ने वहाँ से अपना रास्ता चेंज करने की सोची और वो लोग आगे बढ़ रहे हों, जहाँ दोनों ही केस में थोड़ी बहुत सावधानी बरत कर इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। तो नोलेल नोजेल गोचे और हाँ इनकी टेलीपोर्ट करने वाली सवारी फिनल को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर गोल्डन और कैप्टन यामी वहीं पर रुकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा टाइम क्रिएट कर देगा, मतलब थोड़ा उन्हें टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागने का या फिर कुछ और भी करने का। जहाँ ये लोग गुस्से में भरे पड़े कि मैजिक नाइट्स इनकी मदद नहीं की एल्फों के आने के दौरान, जहाँ पे आज ज़्यादा मैजिक नाइट तो खुद एल्फ बने हुए थे और इन लोगों को फिक्र थी सिर्फ और सिर्फ मैजिक नाइट्स की, जहाँ पे एक मैजिक नाइट दूसरे मैजिक नाइट को ही बचाता है, लोगों की कोई परवाह ही नहीं है, जहाँ पर रियलिटी है जानते ही नहीं, उन्हें बस एक ही फेस पता है और रियलिटी ये है कि वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि बहुत सारी जगह पर अटैक चल रहा था उस समय। तो उस दौरान कोई ना कोई जगह छूट जाना इतना कोई अनयूजुअल काम नहीं था, मतलब अगर ये उनकी जगह होते तो शायद समझ पाते और हमने सब कुछ देखा इसलिए हम जानते हैं, पर फिर भी गलती उन लोगों की कहीं ना कहीं थी जो उन लोगों ने यहाँ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं सोचे। तो इस केस में कौन सही है और कौन गलत है ये बता पाना कोई आसान काम नहीं है। तो क्यों ना जल्दी से इन दोनों को मार दिया जाए जो कि डेविल के साथ ही है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये लोग करेंगे ताकि ये दिखा सके कि क्या होता है जब लोग डेविल का साथ देते हैं, पर ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं एक चारे की तरह, क्योंकि इनका मेन गोल तो आस्था को मारना था ताकि वो आस्था को कैप्चर कर सके और उसको मार सके और लोगों तक मैसेज पहुंचा सके कि जो डेविल को, मतलब डेविल का साथ देगा वो मारा जाएगा और डेविल ने जो किया उसका हर जाना उसको भुगतना पड़ा और डेविल मारा गया हमारा, तो मतलब हमने डेविल को काफ़ी तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये आगे आने वाली मुसीबत को नहीं जानता, जहाँ पर मुसीबत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है जो आस्था के मरने पर शायद और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और इस सब के अलावा पीछा करते हैं उस ट्रैकर का, जहाँ वो जान पाते हैं कि वो उन्हें सिर्फ उल्लू बनाने का तरीका था, जहाँ पर वो ट्रैकर एक कौवे ने पहन रखा था, मतलब उन लोगों ने ढूंढ लिया उनके ट्रैकर जिसके वजह से उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे वो लोग। और वैसे आस्था यहाँ उठ चुका है जो पैनिक करते हुए नैरो को ढूंढने निकलने वाला था, लेकिन उसको रोकते कैप्टन यामी और बताते हैं कि तुम्हें अभी सब कुछ जानना है और समझना है कि क्या रियलिटी में यहाँ हुआ, और पहले थैंक्स करना उसको ओवेन का जिसने उसके उस पोर्शन को, मतलब उस पोर्शन को या फिर जो भी पोर्शन था उसको निकाल कर उसको दोबारा जगाया है। तो वैसे सबके बाद इन्हें कुछ लीड नहीं मिली इसलिए लोग आगे फंक्शनिंग नहीं कर सकते और यहाँ पर कैप्टन यामी एक मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, जहाँ पर सारे कैप्टन आए हुए हैं और वो जानने वाले कि क्या करना है इन लोगों को आगे, जहाँ पर नैरो भी एक अच्छा एसेट्स है इन लोगों के लिए ताकि वो डेविल से लड़ सके, क्योंकि हमें नैरो एरकिन म्यूजिक मैजिक यूज़ करते हैं जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कीरा को लगता है कि उसके साथ ही इसमें शामिल है, इसके वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देता है, जिसमें पहला बंदा है कावे कैरिलॉन जिसकी एज है 38 ईयर्स, जो अपने आसपास की चीज़ों को अपने साथ गायब कर सकता है। अगला है ऑनोबी शिनो जो 31 साल का है और वो बैरियर मैजिक यूज़ कर सकता है, और अगर उस बैरियर को इसने तोड़ने की कोशिश की तो वो उस बैरियर के साथ फट जाएगा, जहाँ उस बैरियर की हाइट उसके हाइट से 5 गुना ज़्यादा होती है। शिओना कैवरली जो 29 साल की है, जो पेपर मैजिक यूज़ करती है, जो पेपर को किसी भी हिसाब से मोल्ड करके उसकी हाइट को कम ज़्यादा या फिर कुछ भी कर सकती है पेपर के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उन लोगों को मारना ही था तो उन लोगों ने, मतलब पोशन का यूज़ क्यों किया, वो उनको सीधा मार भी सकते थे अपने जहरीले पोशन से और पॉइजन से जिससे वो मर जाते,
तो उसका रीज़न शायद ये हो सकता है अगर कि मतलब अगर कीरा का साथी इसमें शामिल है तो उसको इंसाफ का काफ़ी अच्छा सेंस है, जहाँ पर वो आस्था को सबके सामने रिप्रेजेंट करके मारना चाहेगा और इंसाफ को स्थापित करना चाहेगा, मतलब लोगों की इच्छा से सब करना चाहेगा, जिसकी वजह से शायद वो वेट कर रहा होगा और आस्था को आने आस्था को जमा करने का या फिर हथियाने का या फिर बेहोश करके अफवाह करने की कोशिश करेगा। और जो भी ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है जो काफ़ी कुछ अजीब गरीब कर सकता है किंगडम के साथ, मतलब बहुत सारे लोग मोर्चा लेके आ सकते हैं कि उन्हें डेविल को मारना है, जहाँ किंगडम वाले ईवल है और वो लोग आसरा दे रहे हैं डेविल को, जैसा काफ़ी कुछ शुरू में सोचा था कीरा ने, लेकिन रियलिटी काफ़ी हद तक अलग है। मतलब जहाँ पे आज तक हीरो है जिसने बचाए लोगों को और उसका डेविल उसके अंदर शांत पड़ा हुआ है, मतलब वो इतना कुछ खतरनाक नहीं कर रहा समय, और अब देखते हैं क्या होता है जो भी होता है आगे ब्लैक होल का एपिसोड 145 में, जहाँ वैसे एपिसोड 144 के लास्ट में देख पाते हैं एक जगह जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो दोपहर आने वाली है जब हम लोग मारेंगे डेविल के नौकरों को। तो अब आगे कुछ लोगों का ग्रुप मतलब इस प्रीव्यू में देख पाते हैं कि एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर मैरी और नेरो को मारने वाले और लोग उनका साथ दे रहे हैं, मतलब लोग काफ़ी तक गुस्से में थे कि डेविल की वजह से सारी चीज़ें हुई और हमारे शहर को तबाह होना पड़ा, मतलब जिनके वहाँ पे मैजिक नेट वालों ने हेल्प नहीं की उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। जहाँ पर छुप के देख रहे हैं गोचर बाकी सब, और क्या कुछ समय रहते मैरी को बचा पाएगा और क्या होता आगे, और शायद ये लोग शर्त रखेंगे कि यहाँ पर अगर वो लोग इतने अच्छे तो क्यों नहीं दोनों को बचाने के लिए वो लोग आस्था को आगे भेजें और इसके साथ वो डेविल के सर्वेंट्स को मार देंगे, जहाँ पर रियलिटी सच में काफ़ी कुछ और है। तो देखते हैं कैसे इन लोगों की आंखें खुलती है और क्या होता है आगे आने वाले एपिसोड्स में ब्लैक क्लोवर के। तो वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता था ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 145 में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।